Hey guys, welcome to my channel, and this is the first video of my gaming series. And ये गेम मैं पूरा कंप्लीटली पाइथन पे बनाने वाला हूँ. एंड ये क्या गेम है इसके बारे में मैंने एक इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाया हुआ है, सो आप उसको देख सकते हैं. सो इस वीडियो में रिसोर्सेज डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है. सो ये फर्स्ट पार्ट है मेरे वीडियो का, हम स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे. सो बिना कोई टाइम वेस्ट करे मैं शुरू करता हूँ. बट मेक श्योर आप अपकमिंग वीडियो के लिए अपडेटेड रहें, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल. एंड एक चीज़ और, आप इस सीरीज़ को कम्प्लीटली देखें तभी आप इस गेम को बना पाएंगे. अगर आपसे कोई पार्ट मिस हो जाएगा तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी. सो आई विल रिकमेंड यू दिस कि आप जो है सारे वीडियो कम्प्लीट देखें. एंड सो लेट्स गेट स्टार्टेड, कोड करना हम स्टार्ट करते हैं. बट उससे पहले आपको कुछ रिसोर्सेज इस गेम के लिए चाहिए होंगी. सो वो रिसोर्सेज हैं पिक्चर्स एंड साउंड फाइल्स. सो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, आप वहां से इनको डाउनलोड कर सकते हैं. डाउनलोड करने के बाद आपके पास ऐसे दो फोल्डर्स आएंगे, एक में होंगी हमारी पिक्चर्स जो कि हमें गेम में डिस्प्ले होने वाली है. एंड इफ़ यू वॉन्ट टू कस्टमाइज यू कैन चेंज दीज इमेजेस, बट मेक श्योर आप कुछ भी पिक करें वो PNG फाइल फॉर्म में हो, सो वो बेटर होगा, वरना ग्राफिक थोड़े डिस्टॉर्ट होंगे, यू नो. सो अब इसके बाद एक फोल्डर और मिलेगा आपको साउंड फाइल्स, बट यहाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कैसा भी साउंड फाइल रख सकते हैं यार, जैसा आपको पसंद है. सो ये मैंने इन दोनों फाइल्स को इस फोल्डर में रख दिया है. एक नया फोल्डर बनाया मैंने इंडियन रेसर नाम का, एंड मैंने इनको यहाँ पे रख दिया. अब यहीं पे मैंने इन द सेम टाइम मैंने एक image.py नाम की फाइल बनाई है. एंड अभी मैंने इसमें कुछ लिखा नहीं है, बस मैंने यहाँ पे एक फाइल बना दी है. अब मैंने विजुअल स्टूडियो कोड खोल के वही सेम फोल्डर खोला इंडियन रेसर, एंड यहाँ पे आपको पिक्चर्स एंड साउंड फाइल्स दिख रही हैं. एंड image.py ये हमारी फाइल है. एंड सबसे पहले मैं इसमें कोड करूँगा, एंड इसका नाम मैंने image.py क्यों रखा. सो इस गेम में हमें जितने भी रिसोर्सेज चाहिए उनमें से मेन है इमेजेस. सो इमेजेस को हम मैंने लोड करने के लिए एक अलग से फाइल बनाई है, ये और कुछ नहीं है. सो यहाँ पे मैं अपने गेम की इमेजेस को इंपोर्ट करूँगा इस पाइथन फाइल में, एंड एक पाइथन फाइल में अलग बनाऊँगा, उसको हम बाद में उसकी बात करेंगे, उसको मैं मेन फाइल रखूँगा अपनी. सो सबसे पहले इस पाइथन फाइल में मैं इंपोर्ट करूँगा पाई गेम को, जो कि हमारा मेन मॉड्यूल है इस गेम को बनाने के लिए. ओके सो अब मैं यहाँ पे रूट वाली मेरी फाइल को इंपोर्ट करूँगा, उसके लिए मैंने रूट नाम का वेरिएबल बनाया है. एंड एक सेकेंड, ये है पाई गेम. अब मैं इससे इमेज को बुलाऊँगा, एंड इससे मैं इसको बोलूँगा कि इमेज लोड करो. ओके यहाँ पर डॉट आएगा, तो इमेज में लोड करवाऊंगा इससे. एंड यहाँ पे मुझे अपनी फाइल का एड्रेस देना है. सो मैंने अपनी सारी फाइल्स पिक्चर्स में रखी है, एंड आपको भी रखनी है, ऐसा मेरा सजेशन है. एंड मेरी फाइल का नाम है road.png. मैंने सारी फाइल के नाम सिंपल ही रखे हैं, जो इनका मैं वेरिएबल बनाऊंगा वही मैंने फाइल का नाम रखा हुआ है. सो यहाँ पे मैंने इतना लिख दिया इसको. अब इस इमेज को मेरे को एक इसको ट्रांसफॉर्म करूँगा मैं एक स्केल पे. सो मेरे को इसका क्या रेजोल्यूशन साइज चाहिए ये उसके लिए है. सो रोड पे मैं फिर से पाई गेम को बोलूँगा इसी वेरिएबल पे कि अब की बार आप ट्रांसफॉर्म को कॉल करिए, एंड वहाँ से स्केलिंग करेंगे हम अपने इमेज की. सो मुझे किसकी स्केलिंग करनी है, तो यहाँ पे मैं रोड का पैरामीटर पास करूँगा, एंड क्या साइज होगा वो. सो एक्स पे मैं 400 दूंगा, एंड फाइव पे मैं दूंगा 800. ओके सो ये एक्स एंड वाई एक्सेस है. अब जो हमारे गेम की विथ एंड हाइट होगी तो वो मैं बनाऊंगा उसको 800x800 की. सो ये रोड जो है वाई एक्सेस पे कम्प्लीटली आएगी ऊपर से नीचे तक, तो इसलिए मैं इसको 800 रख रहा हूँ. एंड 400 इसलिए क्योंकि ये बीच में आए, जिससे पूरे मेरे को पूरे गेम के GUI पे मेरे को रोड नहीं चाहिए. सो ये इसको मैं इतने पे ही रखूँगा, एंड ये मैंने कर दिया है. अब मैं यहाँ पे दूसरी इमेज इंपोर्ट करूँगा जो कि है ग्रास की.
ओके सो पाई गेम से मैं फिर से सेम कोड लिखूंगा जो कि है इमेज डॉट लोड, एंड फिर से मुझे वही अपनी पिक्चर की लोकेशन डालनी है. सो इसको मैं पिक्चर्स, एंड यहाँ पे मेरी फाइल का नाम है क्रास डॉट जेपीजी. ओके सो मैंने आपसे बोला था कि आप ज़्यादातर फाइल को पीएनजी रखिए, बट ग्रास यहाँ पे जेपीजी क्यों है? इसका रीज़न ये है कि ग्रास को मैं किस चीज़ पे ओवरलैप नहीं कर रहा हूँ. इसका अगर बैकग्राउंड भी होगा तो मुझे कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, बट अगर और चीज़ें होंगी वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगी तो आपके ग्राफिक्स वहाँ पे बिगड़ेंगे. एंड आप जानते हैं पाइथन में इतने ऑप्शंस नहीं है, ये यूनिटी और ब्लेंडर तो है नहीं कि जो हम इतने तगड़े ग्राफिक का गेम बना पाएँ, बट जो भी है उससे हम यहाँ पे एक सिंपल सा 2D गेम तो बना ही सकते हैं. अब मैं पाई गेम से फिर से इसको मैं ट्रांसफॉर्म करूँगा, एंड अगेन मेरे को सेम चीज़ लिखनी है स्केल. एंड अब मेरे को इसको कहाँ करना है, इसको मैं वेरिएबल अपना ग्रास ही दूंगा, एंड मेरे को इसका रेजोल्यूशन जो है वो चाहिए 275, एंड मेरे को ये वाई एक्सिस पे कम्प्लीटली चाहिए. आप सोच रहे होंगे ये रेजोल्यूशन मैं कैसे लिख रहा हूँ. पाई ऑटो जी वाई से मैंने जो डिस्प्ले माउस पोजीशन नाम का फंक्शन होता है उससे मैंने गेम की पूरे मतलब माउस की पोजीशन लगा के मैंने सारी पोजीशन और आरजीबी कोड्स निकाल लिए हैं. मैं आपको बोलूँगा कि आप अगर जल्दी बनाना चाहते हैं इसको तो मेरे दिए गए रेजोल्यूशन पे काम करें तो आपका काम जल्दी हो जाएगा, आपको वो बनाना नहीं पड़ेगा. ओके तो हमने हमारा बैकग्राउंड बना लिया है जो था रोड एंड ग्रास. ओके अब मैं यहाँ पे बनाऊंगा हमारा प्लेयर जो कि बाइक पे है, तो मैं बाइक नाम का वेरिएबल बनाऊंगा, एंड सेम तरीके से मैं फिर से पाई गेम एंड इमेजेस से उसको उसकी इमेज को मैं लोड करूंगा, एंड एड्रेस भी हमारा फिर से सेम है जो कि है पिक्चर्स के, एंड जो बाइक है उसका नाम है बाइक डॉट पी एन जी. ओके तो ये मेरी फाइल का एड्रेस है, एंड अब मैं इसको जो है ट्रांसफॉर्म करूँगा, स्केलिंग करूँगा इसकी फिर से. तो ये यहाँ पे मैंने ट्रांसफॉर्म को कॉल करा, एंड अब मैं इसको स्केल कर देता हूँ. अब यहाँ पे मैं लिखूँगा बाइक, एंड अब जो मेरे को बाइक का साइज़ रखना है वो आएगा यहाँ पे. बाइक का साइज़ ऑफकोर्स हमें छोटा रखना है, तो एक्स पे मैं इसको 70 एंड वाई पे मैं 40 दे रहा हूँ. तो ये हमारी यहाँ पे बाइक जो है बन चुकी है, तो मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ आपको जिससे कन्फ्यूजन ना हो. जिसको मैंने प्लेयर लिख दिया, एंड ये हमारा बैकग्राउंड का पार्ट था. ये दो चीज़ें हमने यहाँ पे इंपोर्ट करके ट्रांसफॉर्म कर लिए स्केल पे. एंड नेक्स्ट हमारे पास जो अब हमें बनाना है वो होंगे ऑब्स्टैकल्स, एंड ऑब्स्टैकल्स में हमारे पास कार्स एंड ट्रीज हैं. मैंने 7 कार्स की इमेजेस रखी है, तो मैं 1 by 1 कार 1 कार 2 कार 3 करके इसको मैं पूरा लोड कर लूँगा. जो कार का साइज़ होगा वो हमारा सेम रहेगा. इसको मैं एक को एड्रेस दे देता हूँ पहले, एंड मेरी फाइल का नाम है car1.png, एंड ये मैंने यहाँ पे लिख लिया है. अब मैं इसको फिर से जो है ट्रांसफॉर्म करूँगा पाई गेम ट्रांसफॉर्म स्केल से, एंड यहाँ पे मैं रखूँगा car1, एंड इसका जो साइज़ होगा कार का थोड़ा बाइक के कंपैरिजन में तो बड़ा ही होगा, इसको मैं दूंगा साइज 120 एंड 240. ये हमारी car1 है, एंड अब इसको मैं कॉपी कर लूँगा यहीं से. अब मैंने इसको यहाँ से कॉपी कर लिया है, अब मैं इसको पेस्ट कर दूँगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. यहाँ पे मैंने इसको 7 बार पेस्ट कर दिया है, एंड मेरे को हर बार साइज़ जो है सेम रखना है. तो बस मुझे यहाँ पे इनका नाम चेंज करना होगा, एंड हर जगह जहाँ पे car1 था वहाँ पे car2 आ जाएगा फाइल के नेम में भी, एंड ऐसे ही यहाँ पे 3 आ जाएगा. इसको जो है यहाँ पे भी 3 करना है, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे 3, ऐसे करके इसको 4 एंड इसको 5,
and ISCO 6 and ISCO 7. ओके सो यहाँ पे हो गया, मैंने एक बार कॉपी कर दिया इसको, सो इस वाले को मैं हटा देता हूँ. ओके तो यहाँ पे मैंने सेवन कार्स के जो है नेम मैंने चेंज कर दिए सेम को कॉपी करके, एंड साइज सबका सेम रहेगा, तो बस कार वन का टू हो जाएगा, टू और थ्री एंड फोर, एंड सेवन कार्स हैं तो सेवन बार ये होगा. एंड ऑफ कोर्स अगर आप ज़्यादा रखेंगे तो आपको ज़्यादा इंपोर्ट करना पड़ेगा, या आपने कम कार रखी तो आपको कम इम्पोर्ट करना पड़ेगा. ठीक है, अब इन सेवन कार्स के अलावा मेरे पास कुछ और भी है यहाँ पे, मैं देखता हूँ. सो मेरे पास एक ट्रक है और एक बस है, तो बट अब कार सेवन हो चुकी है तो मेरे ख्याल से मैं खाली ट्रक को इंपोर्ट करता हूँ. एक बस हम देखेंगे आगे, अगर अच्छा काम हुआ तो बस भी डाल देंगे अगर कुछ कम लगा हमें, बट मेरे ख्याल से इतनी चीज़ें काफ़ी रहेंगी. सो इसको भी मैं लिख दूंगा ट्रक को, एंड ट्रक के बाद हमारे पास चीज़ें पड़ेंगी वो हैं ट्रीज. इसके बाद हमें ट्रीज को इंपोर्ट करना बाकी है, एंड ट्रीज का साइज जो है थोड़ा अलग रहेगा इनसे, सो वो मैं आपको बताता हूँ. बस अब मैं इसको ट्रांसफॉर्म कर दूँ, एंड जो साइज़ मैंने एक सेकेंड सो जो साइज़ मैंने कार्स का रखा है वही सेम मैं ट्रक का भी रखूँगा, क्योंकि ये भी उसी एक्सिस पे आएगा जैसे कि जहाँ से कार आएगी, सो ये वहीं पे हमें मिलेगा. तो अब मैं इसको एक सेकेंड स्केल लिख दूँ, एंड यहाँ पे मैं ट्रक लिखूँगा, और साइज़ मैंने दे दिया 120 एंड 240. ओके सो इन सब का साइज़ एक जैसा होगा, भले मेरी जो ट्रक की PNG फाइल है, ट्रक का साइज़ कार से थोड़ा बड़ा है, बट मैंने फाइल साइज थोड़ा छोटा चूज़ किया जिससे ये सब एक साथ जो है मर्ज हो जाए एंड थोड़ा ग्राफिकली अच्छा लगे. सो अब इसके बाद मेरे को एक वेरिएबल जो हमारा लास्ट बन बचता है, ये भी ऑब्स्टेकल्स का पार्ट है, तो वो है ट्री. ओके सो ट्री को भी हमें सेम तरीके से ही इम्पोर्ट करना है, एंड अब इसमें हमारे कोड ज़्यादातर सेम हैं क्योंकि हमें फाइल्स ही इंपोर्ट करनी थी, बट ये तो बस अब छोटा सा खेल है. असली खेल तो अब जब तब शुरू होगा जब हम मेन फाइल देखेंगे. ये तो काफ़ी कॉमन कोड था तो हमें काफ़ी एक जैसा लग रहा है, मे बी कुछ को बोरिंग भी लग रहा होगा, बट अब आगे जो लॉजिकल होगा कैसे गेम वर्क करेगा, कैसे कौन से बटन पे कहाँ जाएगा, उसका कोड हम मेन फाइल में लिखेंगे. ये फाइल तो जस्ट इसको रन करने के लिए है. एंड अब जब इसको मैंने ट्री को ले लिया, ट्री का साइज़ मैंने नोट किया था कहीं, वो है 208 एंड 408. ओके सो ये है ट्री का साइज़, एंड जो तीनों ट्री हैं मेरे, इन तीनों का साइज़ सेम रहेगा. सो मैं बस इसको यहाँ तक कॉपी कर लेता हूँ, एंड मेरे पास इसके अलावा दो ट्री और हैं. ट्री वन हो जाएगा मेरा ये, एंड ये हो गया मेरा ट्री टू. ओके सो हमारे पास अब टोटल जो हैं ऑब्स्टैकल्स बन चुके हैं, जिनमें से जो हमारे तीन ट्री हैं इसको मैं टू कर देता हूँ, एंड एक को मैं ट्री रहने दूंगा क्योंकि, एंड हमारे टोटल ऑब्स्टैकल्स में ट्रक हो गया हमारे पास एक, सेवन कार्स हैं, एंड हमारे पास तीन ट्री हैं. सो ये हमारी पिक्चर्स यहाँ पे कम्प्लीटली लोड हो चुकी हैं, एंड यहाँ पे वन आएगा. ये कम्प्लीटली लोड होने के बाद अब ऑब्स्टैकल्स हमारे लोड हो चुके हैं, बैकग्राउंड हो चुका है, एंड हमारा प्लेयर हो चुका है. सो अब बैकग्राउंड हमने गेम का बनाया है, एंड एक इमेज रहेगी
जो बैकग्राउंड को शो करेगी। एंड उसके लिए मैं बैकग्राउंड इमेज नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ। एंड ऑफ कोर्स फिर से मुझे उसी तरीके से इंपोर्ट करना पड़ेगा इसको इस तरीके से। एंड ये वो फाइल रहेगी जो मेरे गेम के मेन्यू में एक बैकग्राउंड नज़र आएगा, तो ये वो रहेगा। एंड उस फाइल का नाम है मेरे background1.jpg। इसको आप jpg रख सकते हैं क्योंकि ये मेन्यू में है, तो हमें इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। एंड अब एक जो मेरा टाइटल है गेम का, उसके लिए एक इमेज डिज़ाइन करी है मैंने, जो कि एक png फाइल है। एंड उसका नाम मैंने इंडियन रेसर रखा है, एज सेम एज गेम। सो अब उसको मैं यहाँ पे कॉल करूँगा। एंड वो भी ज़रूरी नहीं है कि जो है jpg या png हो, बट मैंने यहाँ पे png प्रेफर कर लिया क्योंकि मेरे को बैकग्राउंड हटा के वो थोड़ा ग्राफिकल दिखाना है उसको। आप अगर गेम का जब टाइटल चेंज करना चाहेंगे, आपको इस गेम को कस्टमाइज करना है, आप इसको इजीली कस्टमाइज कर सकते हैं। आपको खाली साउंड और जो है पिक्चर्स इसकी चेंज करनी होंगी, बाकी लॉजिक जो मैं मेन फाइल में लिखूंगा वो सेम रहेगा, तो आपको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप रिसोर्सेस में के फोल्डर में जाके वहाँ से फाइल्स चेंज कर सकते हैं। एंड अपने हिसाब से आपको जो रखना हो आप वो रख सकते हैं। गेम का नाम वहाँ पे भी चेंज हो सकता है। इसको मैं, ये एक png फाइल है, तो मैं इसको ट्रांसफॉर्म कर दूंगा। एंड मेरे को क्या चाहिए इसमें, यहाँ पे तो इंडियन रेसर आएगा। एंड यहाँ पे मेरे को इसका साइज क्या रखना है, तो इसको मैं एक्स पे कंप्लीट रखना चाहता हूँ। तो ये होगा मेरा 800x300 का। ओके, यहाँ पे ये जितने भी इम्पोर्ट्स के काम थे हमारे इमेजेस के, इस फाइल के साथ कंप्लीट हो चुके हैं। एंड अब जो हम बनाएंगे वो रहेगी हमारी मेन फाइल। ओके, इसको मैं अभी यहाँ पे सेव कर दे रहा हूँ। एंड ये था हमारा वीडियो का पार्ट 1। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी मेन फाइल लिखूंगा, कैसे ये गेम वर्क करेगा एंड क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए होंगी हमें, पाई गेम्स और कौन कौन से मॉड्यूल में इंपोर्ट करूंगा, वो आपको इसके पार्ट 2 में बताऊंगा। क्योंकि अगर एक वीडियो में मैं इसका कोड लिखने गया तो ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा, थोड़ा बोरिंग भी बन जाता है। मेक श्योर अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो आप इसका पार्ट 2 देखें, जिससे आप इसको कम्प्लीटली बना चुकें। एंड ये पिक्चर्स की रिसोर्सेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप इसको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेक श्योर प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करें, उससे मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी। एंड मैं आगे भी ऐसे प्रोजेक्ट्स लेके आऊँगा, इनफैक्ट मैंने काफ़ी प्रोजेक्ट सोच के रखे हैं। ये था हमारा पार्ट 1। अब नेक्स्ट पार्ट में मैं मेन फाइल बनाऊंगा। तब तक के लिए बाय, एंड मेक श्योर यू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू गाइस।